कि लोकतंत्र में जो है तानाशाही आ गई है, कि धारा 370 हट गया, धारा 370 हट गया, तीन तलाक खत्म हुआ, नागरिकता संशोधन एक्ट से, नागरिकता संशोधन एक्ट से जय जय भारत बुलंद हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम तो आप ना ही लीजिए, क्योंकि उनके पुत्र साहब ने जो बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर के, अभी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है। और उन्होंने लोगों ने कहा था कि 2022 में आय डबल हो जाएगी, हम आई तो नहीं डबल हुई, मेरे पूरे गांव की नहीं डबल हुई, फिर कैसे डबल होगी किसान की है? और मैं ये जानता हूँ जहाँ तक सरकार किसी की बने, पिस्ता किसान ही है। मीडिया के स्वतंत्रता की और भारत के लोकतंत्र की, अभी हम लोग जब हम भाई आ रहे थे तो आपसे मिलने के पहले भैया कह रहे थे कि भाई मैं PhD का स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से सवाल पूछना, बताओ आपसे कहा था कि नहीं कहा था? अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं उस गिरफ्तारी का समर्थन करता हूँ। लोकसभा चुनाव का समय है और माहौल एकदम गर्म है, सुबह से घूमते घूमते अब हम दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी पे आ चुके हैं, हमें यहाँ के स्टूडेंट्स मिले हैं, यूथ है, खून गरम है तो मुद्दे भी गरम होंगे, आइए इनसे जानते हैं कि इनकी क्या राय है और किस मुद्दों पे इस बार वोट पड़ेंगे, BJP सत्ता में रहेगी या नहीं रहेगी आज ये बताएंगे। तो भाई साहब आपका नाम? मेरा नाम जितेंद्र शुक्ल है, अभी मैं हिंदी डिपार्टमेंट से PhD कर रहा हूँ नई दिल्ली विश्वविद्यालय से। क्या है देश का माहौल, क्या लग रहा है कि मोदी? देखिए देश का माहौल वही है 2014 के बाद जो मोदी जी ने वादे किए थे और जिसपे कहीं ना कहीं ये सरकार खरी उतर रही है, चाहे वो कश्मीर का मसला रहा हो, चाहे राम मंदिर का मसला रहा हो, और हम देख रहे हैं कि मैं अपनी कविता के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि क्या क्या हुआ है, किस प्रकार से हुआ है, कि धारा 370 हट गया, धारा 370 हट गया, तीन तलाक खत्म हुआ, नागरिकता संशोधन एक्ट से, नागरिकता संशोधन एक्ट से जय जय भारत बुलंद हुआ, जय जय भारत बुलंद हुआ। तो मोदी जी का जो सपना है अखंड भारत देखने का, कहीं ना कहीं उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और धीरे धीरे ये जो लोग देश को तोड़ने की बात करते हैं, जो लोग बार बार ये कह रहे हैं कि देश कमज़ोर हो रहा है, राम मंदिर की जगह कुछ और बन सकता था, उनको ये जनता, भारत देश की जनता जवाब देगी। तो मोदी जी ने जो 400 का ऐलान किया है, 400 पार सीटों का, तो क्या वो संभव होगा? देखिए 4 जून 400 पार होगा, उस दिशा में जो भारत देश की जनता है उसके वोट के माध्यम से होगा, और 4 जून आएगा, हम आप मिलेंगे, फिर मिठाई खाएंगे, लड्डू खाएंगे। तो मुद्दे क्या होंगे इस बार जो चुनाव आ रहा है? हाँ, मुद्दे क्या होंगे वोट देने के लिए, मुद्दे क्या, एक यूथ के तौर पे आपने क्या मुद्दे सोचे हैं कि आप किस? एक यूथ के तौर पे हमने यही सोचा है कि जैसे उत्तर प्रदेश की सरकार में आपने देखा कि वहाँ पे बार बार पर्चा लीक का मामला आ रहा है, तो ये जो पुराने लोग बैठे हुए हैं पुरानी सरकारों के, उनको मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि तत्काल प्रभाव से उनकी सफाई की जाए और अपने नए लोगों को वहाँ पे रखा जाए जो ईमानदार हों, क्योंकि पुराने वही लोग बैठे हुए हैं जो पुरानी सरकार में भी पर्चा लीक होता था लेकिन बात लीक नहीं होती थी, और आज जब वही लोग पर्चा लीक करवा रहे हैं तो बात भी लीक हो जा रही है। इस विषय पे मैं इस सरकार से, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, सबसे मेरा यही निवेदन है कि युवाओं के साथ ऐसा अब छल ना हो। आपका क्या नाम? मेरा नाम गौरव है और मेरा जी पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से मेरा ग्रेजुएशन चल रहा है। तो आपकी रुचि होगी? जी बिल्कुल रुचि है, और जिस तरीके से आज का सामाजिक माहौल देखने को दिल्ली के अंदर मिल रहा है, केजरीवाल जी की गिरफ्तारी हो गई है और उनके ऊपर बहुत सारे आरोप लगे हैं लीकर केस में भी, तो देश का, आप एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप पोस्ट पे हैं, ऑन पोस्ट पे हैं, और इस पोस्ट पे रहते हुए भी आप करप्शन कर रहे हैं, और ऐसा करप्शन नहीं कर रहे हैं कि जो लिमिट में हो, अनलिमिटेड करप्शन करते जा रहे हैं, और आपकी गिरफ्तारी हो जाती है तो कुछ हमारे साथी JNU के जो साथी हैं वो कहते हैं कि लोकतंत्र में जो है तानाशाही आ गई है। अगर लोकतंत्र में तानाशाही इस समय होती तो आप हमारा जो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ये नहीं कर पाते। तो मैं उन लोगों से यही बात कहना चाहता हूँ कि जो सही है उसके साथ रहिए। नहीं तो कहा तो जाता है जी मीडिया को कंट्रोल किया जा रहा है। देखिए ये आज की कोई नई बात नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से
देखिए, हर व्यक्ति का अपना एक ओपिनियन होता है, तो पर्सनल ओपिनियन किसी का कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिकल और सोशल कुछ भी हो सकता है। तो एक व्यक्ति के बेसिस पे या एक न्यूज़ चैनल के बेसिस पे ये कह देना गलत है कि जो सारे हमारे न्यूज़ चैनल हैं वो मतलब पॉलिटिकल पार्टी से एसोसिएटेड हैं। तो यही बात मैं रखना चाहता हूँ कि इन सारी जो ये जो भावनाएं हैं जो हमारे समाज में चल रही हैं, इनसे दूर रहना चाहिए व्यक्तियों को और निरपेक्ष रूप से कार्यों को देखना चाहिए। चुनाव आ गया है, प्रधानमंत्री जी जी लग रहा है कि क्योंकि राहुल गांधी ने इंडिया अलायंस, नहीं राहुल गांधी जी की बात ही मत कीजिए, उनका अलायंस बनता रहता है, बिगड़ता रहता है, कुछ आते हैं कुछ जाते हैं। और यात्राएं अच्छी चीज़ है, यात्राएं करनी चाहिए, लेकिन यात्राएं जो है वो सामाजिक दृष्टिकोण से और राजनीतिक दृष्टिकोण से जब उसका महत्व हो तभी उसे करना चाहिए। और अब की बार जैसे ही मोदी जी का हमारे नारा है कि अब की बार 400 पार कंफर्म है, 400 पार होगा। राहुल गांधी जी भी तो कहते हैं प्यार की दुकान खोल रहे हैं। देखिए, उनकी प्यार की दुकान खुल रही है, मोहब्बत की दुकान खुल रही है और बंद भी हो रही है। और क्या हो रहा है कि वो उनकी प्यार की दुकान उनके लिए है जो उनके सगे संबंधी हैं, वो देश के लिए प्यार की दुकान नहीं खोल रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी एक गरीब तबके से उठे हुए आदमी हैं, उन्होंने इतना संघर्ष किया, पूरा जीवन अपना संगठन को दे दिया और आज वो देश के चरमोत्कर्ष पे हैं। देश की जो लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के वो इस समय नेतृत्व करता है, श्रेष्ठ राजनीति में है। तो उनका जो डिसीजन होगा देश के प्रति वो होगा, क्योंकि वो ऐसा व्यक्ति है जो कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड अपने परिवार के लिए छोड़ के नहीं जा रहा है। राहुल गांधी ऐसा थोड़ी ना है कि राजा का बेटा राजा बनेगा, हम जैसे लोग भी राजा बनेंगे। तो अमेठी की जो सीट है वहाँ से रॉबर्ट वाड्रा का नाम नहीं उठना चाहिए था, किसी किसान का, किसी ऐसे उन्हीं के किसी ऐसे नेता का नाम उठना चाहिए था जो संघर्षशील हो, जुझारू हो। अब बताइए कितना बड़ा दुर्भाग्य है अमेठी की जनता के साथ ये कांग्रेस पार्टी का। मोहर तो नहीं लगी है। नहीं, मोहर नहीं लगी, उन्होंने कहा तो है। और कांग्रेस पार्टी में कौन चलाता है, कांग्रेस कौन कहता है? मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं, वो सारी चीजें चल रही। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का नाम तो आप ना ही लीजिए, क्योंकि उनके पुत्र साहब ने जो बयान दिया था सनातन धर्म को लेकर के, अभी हिंदुस्तान की जनता भूली नहीं है, उसका जवाब लेगी। और 4 जून को आपको पता चलेगा कि उसका क्या जवाब है। आप ये जब अपनी बात रख रहे थे तो आप मुस्कुरा रहे थे, क्या आपको क्या लग रहा है कि इस बार कौन मुद्दा क्या रहेगा, वोट देने का मुद्दा क्या रहेगा, सरकार आएगी कि नहीं आएगी? सरकार तो बिल्कुल भाजपा की आएगी। उसका रीज़न ये है, बहुत सारी चीज़ें सही हो रही हैं जो पहले नहीं हुआ करती थी। और आज की डेट के अंदर अगर आप देखो तो परिवर्तन आ रहा है, जैसे हमारा राम मंदिर का मुद्दा है और बहुत सारे मुद्दे हैं उस पर चर्चाएँ की गई हैं और चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। अगर आप समाज में बैठ के अगर आप बातें करते हो तो वहाँ से आपको आइडिया लग जाता है कि देश किस ओर चल रहा है। तो मुझे तो पूरी आशा है कि 400 पार इस बार हो गई। विपक्ष ने तो बोल दिया कि राम मंदिर सिर्फ बीजेपी का एक प्रोपेगेंडा, बीजेपी का एक समारोह बन के रह गया, उसे बीजेपी अपना एक वोट बैंक मान के चल रही है, कोई देश के लिए वो नहीं। वोट बैंक क्यों ना माने, मानना भी चाहिए, क्योंकि जो काम उन्होंने नहीं किया इन्होंने कर दिया तो इनका हक भी बनता है। अगर उनके पास अपॉर्चुनिटी थी तो उन्हें इस्तेमाल करना चाहिए था। देश तो हमेशा इस पक्ष में रहा है और वो नहीं रहे हैं, तो इसमें तो क्लियर कोई डाउट है ही नहीं इसके अंदर। तो तब आपका क्या नाम? अलकेश कुमार, मैं हिंदी विभाग से प्रथम वर्ष का छात्र हूँ। अलकेश कुमार, मैं प्रथम वर्ष का छात्र हूँ हिंदी विभाग से। क्या लग रहा है माहौल? तो मेरे हिसाब से जो भी सरकार आती है वो एक अपना मैनिफेस्टो लेके आती है और चुनाव जारी भी कर दिया। हाँ, उन्होंने जारी कर दिया, किसी का 2014 वाला पूरा नहीं हुआ, इनका 10 वाला, इनका भी नहीं पूरा हुआ था, 7 वाला है, क्या नाम, 8 जो आए थे ये, इनका नहीं पूरा हुआ था, कैसे पूरा होगा? मुझे मेरे हिसाब से तो जनता जो है वो अपने हक के लिए लड़ रही है, लेकिन उसका कोई चाहने वाला नहीं है। यहाँ पे सब अपने अपना एक बजट बना लेते हैं, उसमें फिट हो जाते हैं। आपको लगता है, मैं कन्नौज से हूँ और मेरे यहाँ पे अभी सुब्रत पाठक बीजेपी से सांसद हैं। मैं देख रहा हूँ 20 दिन से बराबर वो दौरे कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी आ रहे हैं, इससे पहले ये लोग कहाँ थे? कभी नहीं आए लोग। अब तुम घर घर जा रहे हो लोगों के पास, किस लिए जा रहे हो? क्योंकि तुम्हें अब पैर छूने हैं, इसके बाद 5 साल तुम उनसे पैर छुआओगे, इसके बाद कोई देखने नहीं आएगा, फिर 5 साल होगा यही, फिर ऐसे चलता रहेगा, हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा। और अगर आप बात करते हैं कि कौन आएगा, तो दो ही पार्टियां हैं केंद्र में, बीजेपी और कांग्रेस, पक्ष विपक्ष, पक्ष विपक्ष, दो ही पार्टियां हैं, तीसरी कोई पार्टी भी नहीं बड़ी हमारे पास जो हम जिसे वोट दे दें।
और दोनों पार्टी ऐसी हैं जो अपना काम बना रही हैं। इन्होंने भी बहुत पहले कहा था कि 2 करोड़ नौकरी देंगे हम, नहीं दें उन्होंने। इन्होंने कहा था 15 लाख आएंगे, नहीं आए। शिक्षा की तो बात ही नहीं है भाई। इन्होंने अभी 17-18% टैक्स बढ़ा दिया शिक्षा पे, ये ठीक है? गरीब को कहाँ शिक्षा मिल रही है? हमें तो नहीं लगता मिल रही है। हमारे हिंदी विभाग में ही 6,000 रुपये पिछले साल फीस थी, इस साल जब हमने एडमिशन लिया तो 7,120 रुपये हो गई, 1,000 फीस बढ़ गई। लोगों की आय कितनी बढ़ी। मैं खुद मूल रूप से किसान परिवार से हूँ, मेरे पास 5-6 बीघा खेती है, और लोगों ने कहा था कि 2022 में आय डबल हो जाएगी। हमारी तो नहीं डबल हुई, मेरे पूरे गांव की नहीं डबल हुई, फिर कैसे डबल होगी किसान की आय? और मैं ये जानता हूँ, जहाँ तक सरकार किसी की बने, पिस्ता किसान ही है। नहीं, किसान के लिए तो काम हो रहा है ये, आप बताएं ना क्या काम हो रहा है? MSP और बाकी चीज़ें तो मेंटेन की गई। किस पे मेंटेन की? धान गेहूँ के अलावा MSP तो नहीं है किसी और पे? आप देख आंकड़ा उठा के देखें कि और जो चीज़ें जितनी महंगी हुई, धान गेहूँ उतना महंगा है, आपको लगता है क्या? जहाँ पे मूल रूप से धान गेहूँ हो रहा है, क्योंकि धान वहाँ पे हो सकती है क्योंकि बारिश है ज़्यादा वहाँ पे, इसके बाद फसल होती है गेहूँ की। 3 फसलें हो नहीं सकती, 2 फसलें हो सकती, 2 फसलों में आप समझ सकते हैं कितना आ सकता है उनके पास, तो क्या हो सकता है? आप मान सकते हैं कि जिसके पास 5 बीघा खेती है, 10 मान लीजिए 10 बीघा खेती है, वो दिल्ली विश्वविद्यालय में अपना बच्चा पढ़ा सकता है यहाँ पे? आपको लगता है? कभी नहीं पढ़ा पाएगा। यहाँ के हॉस्टल हैं, उसकी फीस है 8,000 रुपये पर मंथ। नहीं तो बाहर और प्राइवेट में तो बहुत सारी, तो आप उसका मतलब है कि दिल्ली विश्वविद्यालय में ना पढ़ पाए वो? नहीं, क्यों नहीं पढ़ पाए? तो प्राइवेट कितने में ले रहे रेंट? रेंट क्या है आपको पता है? यहाँ पे आसपास आप पता कर लीजिए क्या है रेंट? रेंट लगभग अगर ठीक ठाक रूम लेंगे तो 5-6 हज़ार का, उसके बाद खाने का खर्चा 10,000 तो हो ही जाता है। 10,000 कैसे दे पाएगा? उसकी पूरी मंथली जो आय होती है वो इतनी नहीं हो पाती है, 10,000 नहीं हो पाएगी। फिर बाकी बच्चों को कहाँ लेके जाएगा वो किसान? खुद क्या खाएगा? तो शिक्षा तो मुझे मेरा ये मतलब शिक्षा सस्ती होनी चाहिए। तो ये मुद्दा आपका यही है रोजगार और... हाँ रोजगार, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। 83% वो युवा बेरोजगार हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको तो मिलना चाहिए नौकरी। हमारे हिंदी विभाग से 800 JRF करके बैठे हुए हैं लोग, PhD की सीटें सबसे ज़्यादा यहीं पर आती 230, उनको भी नौकरी नहीं मिल रही है। हायर एजुकेशन मिलने के बाद भी अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो फिर क्या फ़ायदा है? तो यही मुद्दे रख के आप वोट करेंगे अब आगे? हाँ, मैं तो यही मुद्दे रख के वोट करूँगा। किसको वोट करने का? मैं ये तो मेरा व्यक्तिगत मामला है तो मैं आपको ओपिन नहीं कर सकता हूँ कि मैं किसको वोट करूँगा। फिर भी एक पसंद नेता कौन पसंद है? कौन मुझे नेता सब में नेता ये प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसको देख रहे हैं? मुझे इसमें कोई चेहरा अच्छा नहीं लग रहा। मैं एक व्यक्तिगत नेता बता सकता हूँ मुझे कौन कौन पसंद है। वही व्यक्तिगत मुझे BJP में नितिन गडकरी सबसे अच्छे लगते हैं, और कांग्रेस में सचिन पायलट, और इसके बाद दो ही तो मुझे नेता सबसे अच्छे लगते हैं अभी फिलहाल। अगर आप केंद्र में देखना चाह रहे हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार में, भारतीय जनता पार्टी ने अभी भी BJP को ही रखा है। अगर नितिन गडकरी को बनाते हैं ये तो मैं वोट दे दूंगा। नहीं, BJP को रखा है और बाकी विपक्ष में राहुल गांधी ही है, बाकी तो कोई नाम नहीं ले रहा, भले गठबंधन बन गया है। हाँ, गठबंधन बन गया तो टूट भी रहा है, जुड़ भी रहा है, लगातार। हाँ, तो प्राइम मिनिस्टर के तौर पे किसको देखते? तो मैं अपना वोट नोटा में दूंगा, मैं किसी पक्ष में नहीं दूंगा। आप बोल रहे हैं कि आपकी किसान की कमियां भी हैं, किसान के मुद्दे भी हैं, रोजगार के मुद्दे, तो दोनों लोगों के मैनिफेस्टो मैंने पढ़ लिए हैं। मुझे जहाँ तक जो कुछ मुझे पता किया और जानकारी है, दोनों लोग उन पर नहीं खड़े उतर रहे हैं, तो मैं अपना वोट नहीं दूंगा किसी को। नोटा है मेरे पास, अवेलेबल है। तब अच्छी सरकार कैसे है? तो नहीं आएगी ना, मुझे लगता है जो चल रहा है चलता ही रहेगा, ऐसा लोकतंत्र खत्म हो जाएगा। तो लोकतंत्र डेमोक्रेसी इसीलिए लाई गई थी ना कि जहाँ पे लोगों के पक्ष को विपक्ष को दोनों को चुना जाए। आप कह रहे हो कोई सरकार, हम नोटा को देंगे, तब जब नोटा को देंगे तो आप मतदान, बिल्कुल मतदान प्रक्रिया को समाप्त कर देंगे, और जब मतदान प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो डेमोक्रेसी जो हमारा एसेंस है वो समाप्त हो जाएगा। तो हम ऐसा तो नहीं कर सकते। आप पढ़े लिखे हैं तो कम से कम कोई भी लीडर्स है तो उसको आप समझिए, देखिए, उसको भी एक बार मौका दीजिए। अगर आपको कोई नया चेहरा भी आपके सामने आ रहा तो आप उसको मौका दीजिए, तीसरे को लाइए। बट नोटा कोई ऑप्शन तो है नहीं ना हमारे सामने, कोई नोटा ऐसा ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जो भी हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं आपको बता दूं कि मेरे यहाँ पे 2 ही ऑप्शन हैं, तो दोनों में मुझे नहीं अच्छे लगते हैं, तो फिर मेरे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वही एक ऑप्शन है, तो मैं उसी में डालूंगा वोट। मुझे पता है कि अखिलेश यादव दोबारा कभी नहीं आएंगे जीतने के बाद, मुझे ये भी पता सुब्रत पाठक भी नहीं आएंगे, मैं किसे वोट दूं?
तो अखिलेश यादव क्या अगर आएंगे, हाँ अगर अखिलेश यादव आते हैं तो काम करेंगे वो अच्छा? जब वो आएंगे तो काम कहाँ से करेंगे अच्छा? फिर आपके बातों में कंट्राडिक्शन आ रहा, हाँ, आपको ना स्पष्ट नहीं कर पा रहे, आएंगे तो वो काम नहीं करेंगे, मतलब फिर स्पष्टता होनी चाहिए राजनीति, अगर स्पष्टता नहीं है ये होगा कि तो फिर वो देश बहुत ज्यादा दिन तक विकास की राह पे आगे नहीं चल पाएगा। और जैसा कि अभी हमारे साथी ने कहा कि मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण नौकरी ही है, तो वहाँ मैं इनसे सहमत इस कारण से नहीं हूँ कि मान लीजिए कोई सरकार आके मुझे नौकरी दे दे, लेकिन हर महीने हमारे क्षेत्र में हमारे गांव में धारा 144 लगी रहे, हर महीने जो है हमारे गांव में जो है दंगा भड़कता रहे, हमारे सीमा पे जो है सीज फायर का उल्लंघन होता रहे, तो ऐसी सरकार मुझे नहीं चाहिए, मैं उसको तिनके से भी छूना पसंद नहीं करूँगा। बाकी हमारे साथ अपनी बात पूरी कर रहे थे, देखिए अपनी बात पूरी। मेरा नाम मोहित द्विवेदी है, मैं वैसे एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ और एक विद्यार्थी भी हूँ, तो इसलिए मैं कहना ये चाहता हूँ कि देखिए सरकारें कोई भी हों, सरकारें सारे अपने पक्ष पे, कुछ लोग खड़े उतरते हैं कुछ लोग नहीं खड़े उतरते हैं। आपके पास एक राइट्स है मतदान, आर्टिकल 326 में मतदान जो है आपका लीगल राइट्स माना गया, तो आपके पास जब लीगल राइट्स है तो आप मतदान के माध्यम से लोगों को बदलिए ना, नए लोगों को लाइए। लेकिन अब आप ADR की रिपोर्ट देख लिया लीजिए, आप उसको पढ़िए एक बार, हमारे यहाँ जितने भी 80% लगभग सांसद जो हैं वो करप्टेड हैं, उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे दर्ज हैं, तो ये भी कहीं ना कहीं हमारे ऊपर, हमें ये भी तो चीज़ें देखना है। लेकिन दूसरी ओर ऐसे भी लोग हैं जो अच्छे काम कर रहे हैं, जैसे नितिन गडकरी जी हैं, बहुत सारे लीडर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, आप उनको आगे लाइए ना, आप उनको ऑप्शन बनाइए। अगर तो आपके पास दूसरी पार्टी में कोई ऑप्शन नहीं है तो आप तीसरा लाइए ना, तीसरा ऑप्शन बनाइए। प्रधानमंत्री के लिए अगर नितिन गडकरी जी को रखा जाएगा तो फिर ये वोट करेंगे, अच्छी बात है, अगर उनको उनको रखा जाता तो ये वोट दे, लेकिन वोट देना चाहिए ऐसा, ये आपका अधिकार है। जब राष्ट्रपति जी देश में ऐसा चुनाव था जिसमें भाजपा ने पहले से अपना कोई चेहरा तय कर रखा था, आपको लगता था कि शिवराज सिंह को हटा के वहाँ पे यादव जी को जो है मुख्यमंत्री, पहले आपने सोचा था, कल्पना भी किया था? हो सकता है नितिन गडकरी जी को इस बार बना दिया जाए प्रधानमंत्री, अभी हो सकता है ना, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में तानाशाही नहीं चलती है, एक व्यक्ति की नहीं चलती है, संगठन के माध्यम से चलता है। कांग्रेस में मुझे ये कमियां लगती हैं, इस कारण से मैं कांग्रेस को थोड़ा कम पसंद करता हूँ, पसंद मैं दोनों पार्टियों को करता हूँ, कोई पार्टी है जो 100% खड़ी उतर रही है मैं उसको वोट देता हूँ, वो करता हूँ और मैं इस बार करता रहूँगा, क्योंकि इस बार तो जो है भाई साहब पूरा देश राम में है, 500 वर्षों का जो वनवास था प्रभु श्री राम का वो पूर्ण हुआ है, उस पर मैंने एक कविता भी लिखा है, मैं आपको सुनाना चाहूँगा कि राम अखंड हैं राम प्रचंड हैं, राम ही राम रगों में बसे हैं, राम मर्यादित हैं राम आह्लादित हैं, राम जी के काम को तो हम सब बने हैं, राम जी के काम को तो हम सब बने हैं, राम जी की काया और राम जी की माया, अरे राम जी को पूरा जाने वही तुलसीदास हैं, और पूरा हुआ है जी आज राम जी का वनवास, पूरा हुआ है जी आज राम जी का वनवास, राम जी के दास का तो यही विश्वास है, राम जी के दास का तो यही विश्वास है। मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, देखिए राम मंदिर बहुत लोगों के लिए मुद्दा है, ठीक है, लेकिन अगर सच में देखा जाए, आप अगर टेंपल इकोनॉमी पढ़ेंगे तो हमारी जो पहले व्यवस्थाएं थी एंशियंट, चाहे वो आप बिहार की बात कर लें, नालंदा जैसे चीज़ें, तो वो हमारी सारी इसी पे डिपेंड थी, तो जो मंदिर था मंदिर के आसपास जो पूरे क्षेत्र होते थे वो डेवलप हो जाते थे, उसमें एडुकेशनल हेल्थ बहुत सारी चीज़ें डेवलप हो जाती, तो मंदिर लोगों का एक देखने का नज़रिया है, लेकिन मंदिर के माध्यम के आसपास 10-20 किलोमीटर में लोगों को रोजगार मिलेगा वो लोग नहीं बात करते हैं, हेल्थ की बात नहीं करेंगे, हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा भाई, एडुकेशन लेवल इंप्रूवमेंट होगा, उसके साथ साथ में क्या होगा, बाहरी लोग आएंगे आपके यहाँ, रेमिटेंस आपके पास आएगा, तो आपका कहीं ना कहीं जो आपका फॉरेक्स रिजर्व है वो बढ़ेगा ना, तो जब आपके पास वो चीज़ें होंगी, साथ में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, उससे बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे, लेकिन ये लोग नहीं देखते। तीसरी चीज़ें क्या है, अगर हम इसको और अच्छे से एलिब्रेट करें तो ये कहीं ना कहीं एक हिंदुज़म का रिवाइवल है, यहाँ से हिंदुज़म जो है कि धीरे धीरे अगर हम कह सकते हैं कुछ हद तक डिक्लाइन फेज में जा रहा था, हो सकता है आने वाले समय में यहाँ से और डेवलपमेंट हो, जो लोग अपनी संस्कृति अपनी सारी सभ्यताओं को लेकर जो धीरे धीरे नीचे जा रहे थे भूल रहे थे, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से जैसे कि अवसर,
ये एक अवसर के रूप में उभर कर आया। इस अवसर को वो देखेंगे और लोगों से सीखेंगे, क्योंकि हमने क्या किया, पूरे भारतवर्ष में एक नई रूप से एक नई दिवाली मनाना शुरू कर दिया। तो दिवाली का मतलब क्या है, संस्कृति को रिप्रेजेंट किया जा रहा था ना, उससे लोगों को कहीं ना कहीं अपनी संस्कृति को लेकर दिमाग में जो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी सरफ्रेस हो रही थी, दब रही थी, वो और बढ़ेगी। तो लोग अपनी संस्कृतियों को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही अब लोग क्या करेंगे, लोग आसपास के क्षेत्र में और बेहतर कार्य करेंगे। तो ये भी हमारे और ये भी हम नज़रिया देख सकते हैं ना। तो हमें देखिए, हमारे जो पक्ष होते हैं, एक आलोचना होती है और हम किसी चीज़ जो सत्य है उसको सत्य बताइए ना। आप किसी का विरोध मत करिए। देखिए माहौल की बात आप मत करिए, माहौल की बात क्या है, देखिए हमारे पास जानना है ना माहौल ही। तो अब देखिए माहौल, जो जैसे मोदी जी आए 2014 के बाद में आए, तो इन्होंने बहुत सारे चेंजिंग लेकर आए। जैसे हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर हम देखें तो इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स थी, चाहे वो एडुकेशन स्तर की बात कर लें या रेलवे की बात कर लें या हेल्थ की बात कर लें, बहुत सारी चीज़ें, तो उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ। आप देखिए साथ में अगर फॉरन रिलेशंस की बात कर लें, उसमें भी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट है। अगर वर्ल्ड लेवल पे देखें तो वर्ल्ड लेवल में भी बहुत सारी हमारी यहाँ जो भी इम्प्रूवमेंट हुआ वो भी देखा जाए। तो एक पक्ष हमें नहीं देखना, हमें हर पक्ष को समझकर सारी चीज़ें करना। तो हम कहीं ना कहीं वो चीज़ भूल जाते हैं जो हमारे हमारे यहाँ हमारे जो डेमोक्रेसी थी पहले, वो हमारे यहाँ का एसेंस हुआ करता था, वाद प्रतिवाद संवाद। तो उस चर्चा को हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे भूल रहे हैं। तो इसलिए तो आप बताना नहीं चाहते, माहौल का मतलब ये है, माहौल का मतलब क्या हाल है, यूपीएससी गठबंधन ऐसा नहीं है, बच रहे हैं, बचने की बात नहीं है। मुझे तब अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी, देखिए केजरीवाल जी जो लीकर घोटाला हुआ उसमें बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ चुकी हैं, चाहे सतेंद्र जैन के देख लीजिए आप, चाहे और मनीष सिसोदिया जी के देख लीजिए, बहुत लोगों के पास बहुत सारी फाइल है, वो अभी ईडी देख रही है, ईडी के साथ साथ में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट वो देखेगी। तो हाई कोर्ट डिसाइड करेगी ना, क्योंकि हम लोग हम अपना पक्ष रख सकते हैं कि हाँ अरविंद केजरीवाल जी गलत हैं या सही हैं, तो जानना है। तो पक्ष अब देखिए उसको सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि हम पर्टिकुलर अभी हम बता दें, क्योंकि पोस्ट ट्रूथ एरा जैसा है कि हम किसी के प्रति माहौल बना सकते हैं कि हाँ वो गलत है, बट आने वाला समय अगर सुप्रीम कोर्ट कोई डिसीजन दे देता है कि नहीं ये सही है, तो फिर मेरी बातें क्या होगी। तो इसलिए हम कोर्ट के ऊपर, मोहित जी आप गठबंधन पे कुछ भी बोलने से, गठबंधन का मतलब हाल है आपके गठबंधन का, हम उसको गठबंधन नहीं मान सकते हैं। रीजन क्या है, क्योंकि ना कोई लीडर है ना कोई पार्टी, एक आपस में एक दूसरे बनती है, बिगड़ती चली जा रही है, तो इसको गठबंधन नहीं माना जा सकता। कहां से, यही दिल्ली, हम तो अयोध्या से रहने वाले, अयोध्या के पास एक गोंडा डिस्ट्रिक्ट है, वहीं के रहने वाले हैं। मेरा नाम राहुल कुमार है, मैं दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। तो क्या माहौल लग रहा है, देखिए मैं हमने शायद मेरा लास्ट नंबर है, मैंने सभी भाइयों को सुना। हम भारत की संस्कृति से शुरू करते हैं कि देखिए हमारी जो 5000 साल पुरानी सभ्यता है, जो हम हमारी विविधता है, सर्वधर्म संभाव है, वसुधैव कुटुंबकम है, इन सारी चीज़ों को लेके चाहे वो हमारे देश में हूड सक पर्सियन मतलब अन्य अन्य समुदाय हमारे देश में आए और मुस्लिम भी आए, तो आज जो वो सहसुड़ता हम लोगों के बीच बिखरती जा रही है 2014 के बाद से, उस सहसुड़ता को हमें दोबारा से लाना होगा। क्यों 2014 के पहले कोई दंगे नहीं होते थे, पहले कोई दंगे नहीं हुए, सारी बात बहुत सारे दंगे हुए, तो सहसुड़ता मैं आपकी सारी बात करूँ। अभी जैसे अभी अभी मेरे भैया ने कहा कि जब कोई राम मंदिर, दो मिनट बोल रहे तो मैंने तो कुछ नहीं बोला। अभी जो भैया राम मंदिर निर्माण की बात कर रहे थे, देखो सबको अपनी संविधान हमें अपनी अपनी संस्कृति को संरक्षित करने का अधिकार देता है, इसमें किसी पार्टी का कोई योगदान नहीं। अगर पार्टी का योगदान होता तो अटल जी भी राम मंदिर मरवा सकते थे, और 2014 से और 18 के कोई योगदान नहीं है, लेकिन लोगों का योगदान है, आंदोलनों का योगदान है, सिंघल जी का योगदान है, रितंबरा जी का, अडवाणी जी का योगदान है। तो मैंने कुछ बोला, आप करेंगे आपको बिल्कुल बोलिए। मैं अभी भैया ने कहा कि जब कोई निर्माण होता है तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ों का और सारी चीज़ें, जैसे राम मंदिर बना उसके आसपास दुकानें होंगी, लोग फूल बेचेंगे, चढ़ावा होगा, मतलब वो सारा। लेकिन मेरा सवाल ये यहाँ है, फूल बेचेंगे चढ़ावे में मैं नहीं भाई, मैंने चढ़ावा तो नहीं कहा ना, मैं ये कह रहा हूँ, लेकिन जब राम मंदिर निर्माण, आपने चढ़ावा कहा, चढ़ावा का मतलब
चढ़ावा एक ट्रस्ट यार, ये अपने आप से अभी रिकॉर्ड हो रहा वीडियो, आप देख लो अगर मैंने चढ़ावा कहा। ठीक है, एंकर महोदय से पूछ, अगर ठीक है चढ़ावा भी कहा तो उसको फायदा किससे होगा? गरीब किसान को फायदा होगा। दूसरा मेरा जो मूल मुद्दा है वो ये है कि राम मंदिर निर्माण का जब डिसीजन आया उसके पहले ये देखो कि उसके आसपास की जमीन, वहाँ का चाहे डीएम हो, वहाँ का एसपी हो, वहाँ के नेता हो, उन लोगों ने गरीब, वहाँ के जो जमीन थी वो दलितों की जमीन थी, उस जमीन को पहले ही अपने नाम करवा लिया। जैसे कोई हाईवे निकलता है भाई, हम आपको क्या पता आम जनता को कि यहाँ से क्या निकल रहा है, उन लोगों ने पहले ही निकाल जमीन आप उसमें छीन भाई। एग्जाम्पल आप, मैं वहीं का रहने वाला हूँ, मुझे सारी चीजें पता है वहाँ की, आप हमें बताइए ना। नहीं नहीं देखिए, फोन की बात नहीं, आप हमें बताइए, आप हमें एविडेंस दीजिए, मैं मानने को तैयार हूँ। अगर आपके पास साक्ष्य उपलब्ध है आप दिखाइए, आप दिखाइए, आप ऐसा कुछ मत बोलिए, ऐसा कुछ मत बोलिए ना जिससे। और बात और बात ये घोटाला की कह रहे हैं, मैं बताता हूँ, तेल का घोटाले हर सरकार में हुए। देखो कांग्रेस को बहुत समय मिला तो उसमें ज्यादा घोटाले हुए, भारतीय जनता पार्टी को कम समय मिला तो कम घोटाले हुए। भाई यूटीआई घोटाला क्या था, तेल का घोटाला क्या था, और मैं जो 370 और इन सब की बात करता हूँ, बिल्कुल ये स्वागत योग्य है, इसका मैं स्वागत करता हूँ। इसको घोटाले क्या थे, बेफोर्स घोटाले क्या थे, मैंने और उसके ये घोटाले क्या, तेल का कांड क्या था भाई। तो मेरा सवाल ये है भाई, बस मैंने बोल दिया ना यार कि जिसको ज्यादा समय मिला उसमें ज्यादा घोटाले हुए, जिसमें कम समय मिला उसमें कम घोटाले हुए। तो मेरा सवाल ये, घोटाला सब में हुए तो इन सब चीजों से उठ के जो हम लोगों को बात करनी है, गरीब की, किसान की, मजदूर की, बेरोजगारी की, जो सबसे बड़ा मुद्दा है आज देश का, और मीडिया की स्वतंत्रता की, और भारत के लोकतंत्र की। अभी हम लोग जब हम भाई आ रहे थे तो आपसे मिलने के पहले भैया कह रहे थे कि भाई मैं पीएचडी का स्टूडेंट हूँ, उस हिसाब से सवाल पूछना, बताओ आपसे कहा था कि नहीं कहा था? कहा था। तो ये क्या, ये भाई ये डर है, ये डर है, ये डर है। डरे वो लोग हैं, ये डर है, डरे वो लोग हैं जो बिना साक्ष्य के कह दे रहे हैं कि अयोध्या में जमीन कब्जा हो रही है। मात्र 40 किलोमीटर की दूरी पे मेरा घर है और मुझे ऐसी कोई सूचना नहीं है, नहीं तो मैं सबसे पहले उसके लिए खड़ा होता। आप इसे साक्ष्य, अगर आपको खड़ा होना, आप बिल्कुल साक्ष्य मांगिए, बिना साक्ष्य मांगे गाली नहीं देंगे, बिना साक्ष्य मांगिए ऐसे नहीं कह सकते, ऐसे बोल नहीं सकते, ये इनको अधिकार नहीं है। किसने दिया आपके साथ ही? मैं पहले बैठा हुआ था और मेरे से इनसे कोई बात भाई, ये बात मैंने आपसे सुन, आप इस मेरे से लगा रहे हैं, आप डायरेक्ट मैंने आपको मैंने आप ही थे भाई, ये डर था, ये आप ही का डर बोल रहा था, मैंने मैंने आपको दूसरे किसी मीडिया हाउस का नाम लेने को मना किया था, और कुछ मेरी बात मैंने बिल्कुल ना, तो ना मैंने बीजेपी सपोर्ट की बात की, ना मैंने कांग्रेस की, मैं ये कह रहा हूँ घोटाला हर सरकार में हुए, जिसको भाई ज्यादा समय मिला उसने ज्यादा घोटाला किए, जिसको कम समय मिला उसने कम घोटाले। जब इतने घोटाले हो रहे थे तो विपक्ष का कुछ काम नहीं था क्या? बिल्कुल काम तो फिर करा उन्होंने, निभाया अपनी वो कर्तव्य जो था उनका, विपक्ष मजबूत तो नहीं, आज कांग्रेस मजबूत नहीं है, गठबंधन हमने कहा है कि विपक्ष मजबूत। केजरीवाल साहब शराब पी के जो है जेल चले गए, ममता बनर्जी जी उधर अपना खेला, मैं ममता बनर्जी जी उधर अपना खेला कर गई, वो भी नहीं है साथ में, कौन है नेतृत्व, नेतृत्व कौन कर रहा है आप बताइए, आप नेतृत्वकर्ता को बताइए कौन है, कौन है बताइए आप, थोड़ी नहीं होनी चाहिए, कौन कर रहा है नेतृत्व गठबंधन, जो गठबंधन था अब ठगबंधन बन चुका है, नीतीश कुमार जी भी छटक के उधर चले गए हैं, ठगबंधन। मैं देखो गठबंधन हो या मैं गठबंधन क्या मतलब कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी हो, हम ये कह रहे हैं कि नीतियां दोनों की खराब रही भाई। हम लोग वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, ये हमारी जब देश आजाद हुआ उसके पहले ये कुछ समय तक व्यवस्था रही, फिर हुआ क्या कि समय समय पे सरकारों को आपातकाल लगा दिया, ये क्रम भंग हो गया। एक सेकंड भैया आप भी बोल लेना यार, आपने बोलिया हम तो कुछ नहीं बोले, तो जो वन इलेक्शन की बात हो रही, हम कह रहे वन एजुकेशन वन नेशन की बात भी होनी चाहिए। हम लोग जैसे अभी किसी ने मुद्दा उठाया था कि हम गरीब किसान परिवार से आते हैं, हम कैसे सर्वाइव करें, भाई ये जो अमीरी गरीबी की खाई इतनी चौड़ी हो गई है, इसको कौन भरेगा? मैं भी गरीब परिवार से ही आता हूँ, तो यहाँ दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाला भैया भी यहाँ के विद्यार्थी हैं, इन्हें भी पता होगा कि मिनिमम आप कुछ भी मतलब नहीं करोगे, नॉर्मल रहना और खाना कम से कम 10,000 रुपये हो गया, और अभी पिछले कुछ समय पहले यूनिवर्सिटी की फीस भी बढ़ाई गई है। तो हमारे मुद्दे ये होने चाहिए, हमें सबसे पहले
मैं सहमत नहीं हूँ कि 10,000 खर्च होगा, आप इधर आइए। नहीं मिनिमम मैं बता रहा हूँ भाई, कर रहा हूं। मुझे भी सारी चीजें पता हैं। आप यहाँ से थोड़ा सा हट के थोड़ी सी दूरी पे आगे जाएंगे, आपको 3,000 रुपए में आराम से संतनगर में कमरा मिल जाएगा। आप ज्यादा से ज्यादा अगर महीने में बाहरी खर्चा कोई नहीं तो 3,000 में आपका आराम से हो जाएगा। यूनिवर्सिटी बस पास अलाउ करती है, आप आराम से बस से आइए जाइए, 1 रुपया आपका खर्चा नहीं होगा। हाँ ये है कि लोग संघर्ष करने से भाग रहे हैं और संघर्ष के नाम पर उसको रुपए से जोड़ दे रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। मैं बिल्कुल इस चीज़ को स्वीकार करता हूँ क्योंकि मैं भी इस दिल्ली में आज से नहीं 2017 से। संघर्ष करने से बचा तो रही है दिल्ली सरकार, फ्री में नहीं, फ्री में कहाँ दे रही है, वो तो स्टूडेंट्स पास की बात कर रहा हूँ, मैं लेडीज पास की बात नहीं कर रहा हूँ। स्टूडेंट पास जो यहाँ पे हमें दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा दिया जा रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 515 रुपये में 5 महीने का पास बनता है, आप नॉन एसी एसी बस में कहीं भी सफर कर सकते हैं पूरी दिल्ली के अंदर। हाँ लेकिन भाई मेरा क्लास 10 बजे से है, बस 2 घंटे बाद आ रही है, ये भी तो मुद्दा है। नहीं कहाँ रहते हैं आप 2 घंटे बाद ऐसे पूरे यहाँ पे तो नहीं, भाई रात कहाँ से सुविधा बंद हो रही है, अभी मैं रात में बसों की सुविधा कम हो रही है। लाइब्रेरी से निकलूँ 8 बजे और अगर मुझे यहाँ से कहीं लोकेशन पे जाना है, आप यहाँ खड़े हो जाओ, ये बस स्टैंड बना है, अगर 1 घंटे से पहले, हाँ अकस्मात आ जाए वो अलग, 1 घंटे से पहले अगर बस आ जाए तो आप बता देना, ये भी तो नहीं। तो ये जिम्मेदारी जो है वो दिल्ली सरकार की है। और यदि आप देखो आपने संघर्ष साथी ने बात की, हम संघर्ष कर रहे हैं, आप संघर्ष कर रहे हैं, आपके पास जो है इकोनॉमी की कमी है, तो इकोनॉमी की कमी है तो आप काम भी कीजिए। बहुत सारे लोग हैं हमारे बंधु हैं जो काम करते हैं, पढ़ते भी हैं, करना चाहिए। अभी साथी ने विपक्ष की बात की कि जिनके पास जितना समय था उन्होंने उतना घोटाला किया, कांग्रेस के पास 75 ईयर्स थे तो इस हिसाब से तो उन्होंने बहुत ज्यादा घोटाला कर लिया एज कम्पेयर टू बीजेपी। बीच में सरकारें आई नहीं, बीच में सरकारें आई तो कितने दिनों तक चली, गठबंधन की सरकारें थी कोई 6 महीने के लिए, कोई 15 दिन चली, बहुत ज्यादा चल गई तो 5 साल एक बार चल गई। तो इस हिसाब से ये कहना उचित नहीं है कि सरकारें करप्ट हैं। कोई भी सरकार हो, करप्शन और अच्छी चीजें बुरी चीजें सब में रहती हैं, दोनों चीजों को देखते हुए चलना चाहिए। अरविंद केजरीवाल जी की जो गिरफ्तारी है वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, मैं उस गिरफ्तारी का समर्थन करता हूँ, क्योंकि आप देश के मुख्यमंत्री हैं और देश के मुख्यमंत्री होते हुए आप इतना बड़ा घोटाला कर रहे हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और आप जो है उनके महल के बारे में सुनने में आया, मैंने प्रत्यक्ष देखा भी। आपने मुख्यमंत्री बनने से पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन बनने के बाद में जो बना तो ये देश को हजारे जी ने बोला कि भाई नहीं, अन्ना हजारे जी ने उनको लेटर लिखा था, जैसा हुआ अन्ना हजारे जी ने, मैं उनका सम्मान करता हूँ, उन्होंने 2 बार लेटर लिखा केजरीवाल जी को कि ये पॉलिसी जो है ये आपकी गलत है, अगर आप इस पॉलिसी से इतर होंगे तो आपको भविष्य में समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो क्या था स्टार्टिंग में जब वो बन रही थी, उसके फाउंडिंग फादर जो थे कुमार विश्वास अन्ना हजारे, इन लोगों ने क्या कहा था, एंटी करप्शन। लेकिन अभी दिल्ली में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ वहाँ तक तो आम आदमी पार्टी करप्शन से भरी पड़ी है, चाहे वो किसी लिकर केस में देख लो, चाहे दिल्ली में पॉल्यूशन देख लो, अभी पंजाब में उनकी सरकार बन गई। ये कुमार विश्वास और कपिल मिश्रा, नहीं देखो गलत चीज़ें जिस पार्टी में होगी उस पार्टी से जितना जल्दी आप गलत निकल जाओ वो सही है। अगर कुमार विश्वास जी भी उस पार्टी में होते तो आज शायद वो भी होते, वो बहुत समय सही समय पे वो निकल गए, क्योंकि वो साहित्यकार हैं, साहित्यकार को ये चीज़ पता होती है समाज में क्या हो रहा है कैसे हो रहा है, उस चीज़ को उन्होंने अपने कविता के माध्यम से पिरोया, उन्हें अच्छा लगा वो वहाँ से निकल गए। और ये भाई मैं ये कह रहा हूँ भैया मैं बता दूँ, देखिए मैं एक चीज़ कहूँगा एडुकेशन पे, शिक्षा पे, देखिए शिक्षा हमारे यहाँ, ये तो इनकी बात मैं मानता हूँ कि कुछ हद तक जो है गरीब तबके हैं जिनको हमारे यहाँ क्वालिटी ऑफ एडुकेशन नहीं मिल पाता, जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे हैं वो शहरी क्षेत्र से ऑटोमेटिक लगभग 10 साल पीछे रहते हैं, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हम लोग भी गाँव क्षेत्र से आए हैं तो यहाँ पर हमें उतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली। लेकिन कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट जैसे नई शिक्षा नीति लेकर आई है तो उसमें बहुत सारे सुधार हुए हैं, क्योंकि अगर हम बात करें 1986 के बाद आज तक कोई शिक्षा नीति नहीं आई, चाहे वो किसी की गवर्नमेंट रही, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा एडुकेशन को, अगर महिला रिजर्वेशन आप देख लीजिए उसको भी आज तक किसी ने टच नहीं किया, ये 370 मुद्दा था इसको भी किसी ने टच नहीं किया, तो अगर ये गवर्नमेंट ने टच किया, अगर गवर्नमेंट ने इसको ध्यान, गवर्नमेंट को ध्यान आया, गवर्नमेंट कोशिश कर रही थी कि हम ये चीज़ें करेंगे तो ये अच्छी चीज़ें हैं। अगर कोई देश का डेवलपमेंट करता तो उसमें बहुत सारी चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, तो एडुकेशन में कम से कम एडुकेशन में बहुत ज़्यादा सुधार होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें होना चाहिए। दोबारा मुझे याद आ गया, क्वेश्चन बताइए। मैं ये सोच रहा था कि अगर आप नहीं होते तब अगर आपको प्रधानमंत्री का चुनाव लड़ने का दिया जाता तो आप किस पार्टी से लड़ना चाहते? मैं किसी पार्टी से नहीं लड़ता, मेरा पर्सनल व्यू होता, मैं लोगों से मिलकर, लोगों से बात करके और वोट लेने की कोशिश करता, क्योंकि पार्टी जैसे मान लीजिए बीजेपी सत्ता,
तो इसी में आप अगर करेंगे बीजेपी है, अगर मैं बीजेपी, अगर बीजेपी होती तो अटल बिहारी वाजपेयी होते तो मैं बीजेपी में, बीजेपी से चुनाव लड़ता। क्योंकि रीजन क्या है कि देखिए मेरी एक बात है मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए जो अटल बिहारी वाजपेयी थी उनकी आइडियोलॉजी थी, आज बीजेपी की कोई आइडियोलॉजी नहीं है, जो सच मैं बोल रहा हूँ। रीजन ये है क्योंकि पर्टिकुलर कोई भी व्यक्ति आ रहा है, कोई भी जा रहा है, आप जिस पार्टी को कह रहे हो नहीं करप्शन कर रही है, वहाँ के लोग कोई आ गए तो आप उसको सम्मिलित कर ले रहे हो, उसके बाद में यहाँ से लोग चले जा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी आइडियोलॉजी जो है वो धीरे धीरे डिक्लाइन फेज में जा रही है। तो इसलिए मैं बिल्कुल पार्टी, बीजेपी पार्टी से तो बिल्कुल चुनाव नहीं लड़ता, ना कांग्रेस से लड़ता, मैं इंडिविजुअल कोई पार्टी बनाकर लड़ लेता वो मंजूर था, लेकिन अगर अटल जी होते तो मैं बीजेपी को ही पसंद करता, मैं जीवन भर बीजेपी में रहता, ये मेरा वो वक्तव्य था। तो मैं माहौल पूछ रहा था कि माहौल क्या है। देखिए आप माहौल के बारे में तो बोलिए थोड़ा सा शॉर्ट में, माहौल तो ये है कि देखो आना तो सबको पता है कौन आएगा कौन जाएगा, नहीं पता है मुझे, इस बार भारतीय जनता पार्टी की जो 400 पार है वो तो होने वाली नहीं है। सबसे पहली बात आप मेरा ये बाद में जब इलेक्शन हो जाए देख लेना, देखो भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी ये क्लियर है, लेकिन जो 400 पार है ये नहीं होगा इस बार भारतीय जनता पार्टी। मैं एनालिसिस जो मैंने किया है अपने आप से 300 के आसपास रहेगी, हो सकता 300 सीट भी घटेंगी, सीट घटेंगी और इस बार विपक्ष का, एनडीए का की सिर्फ बात नहीं, एनडीए का जो जो ये 400 भाई 400 पे तो अगर ये बीजेपी कहेगी तो 400 तो पूरे लड़ भी नहीं रहे ना, तो सीट घटेंगे और इस बार विपक्ष मजबूत की भूमिका में थोड़ा आ सकता है, ये मैं इतना ही कहूँगा चुनाव के बारे में। नहीं नहीं सर, नाम क्या है? अंगद सिंह मेरा नाम। क्या करते हैं? मैं मास्टर्स करता हूँ हिस्ट्री से। हाँ कुछ तो राय होगी या मुद्दे ही बताइए, क्या चुनाव के क्या मुद्दे? मेरे पास अभी मैं बताना नहीं जा रहा है, तो वोट वोट देंगे? वोट देखता हूँ, अभी मेरा एग्जाम है तो शायद ना जा पाऊँ, मेरा पहले जा नहीं पाएंगे, अगर जा पाते तो वोट तो देते ही। हाँ वोट देता। क्या तो मैं मुद्दे, मैं मतलब अपने मेरे जो लोकल में समस्याएं हैं उनके हिसाब से वोट दे। समस्याएं पूछ रहा हूँ क्या लोकल में? मेरा मतलब हमारा जो, मैं बेसिकली बुंदेलखंड से रीजन से आता हूँ, बुंदेलखंड रीजन में जो है एजुकेशन लेवल ही कम है और काफ़ी सारी सुविधाएँ तो कम है, लोगों के पास सुविधाएं नहीं है और लोग ज़्यादा एजुकेशन बैकवर्ड क्लास से हैं, तो उनको सुविधाएं नहीं मिल पा रही और आगे नहीं आ पा रहे हैं, और जो ऊपर बैठे हुए हैं तो वो भी उन पर सुविधा नहीं पहुंचाना चाहते, तो इन सब चीज़ों को मैं देख के और अपने हिसाब से जाके वोट देता हूँ।